अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैमिली टाइम विद सोबिया में आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस चिकन, वेजिटेबल्स, अंडों के साथ बनने वाले बहुत ही हेल्दी राइस हैं और बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन में ऑल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। तो चिकन फ्राइड राइस के लिए एक छोटी शिमला मिर्च को जुलियन कटिंग में काटा है, हरे प्याज के ग्रीन और वाइट हिस्से को बारीक चॉप किया है, एक छोटी गाजर को जुलियन कटिंग में काटा है और एक कप बंद गोभी को जुलियन कटिंग में काट लिया है। इसके अलावा चिकन के भी छोटे स्ट्राइप्स काट लिए हैं। चिकन और वेजिटेबल्स को आप स्मॉल क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं। इसके अलावा 3 अदद अंडे और 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। 2 कप चावलों को उबाल कर ठंडा कर लिया है। अगर आप चावल एक रात पहले उबाल के रख दें तो उससे चाइनीज राइस या फ्राइड राइस ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना होता है तो वो टूटते नहीं हैं। फ्राइंग पैन में सबसे पहले हम अंडों को तैयार कर लेंगे। प्लेन एग्स को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऑमलेट की तरह से फ्राई करेंगे। अंडों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, एक साइड से पक जाएं तो उसकी साइड चेंज करके छोटे पीसेस कर लेंगे। अंडे के पीसेस करने के बाद इसको निकाल कर रख लेंगे और फ्राइंग पैन में हम अब चिकन फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल ले लेंगे और उसमें 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई करके इसमें चिकन शामिल कर देंगे और अब चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि वो पूरी तरह से गल जाए। उसके बाद हम पैन उतार लेंगे और एक बड़ी देगची या कड़ाही लेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। अब हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। इसमें सबसे पहले हम हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा डाल के और उसको फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा तो हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। सब्जियों को हमने तेज आंच पे फ्राई करना है और इनको बहुत ज्यादा नहीं गलाना। सब्जियों का फ्रेश कलर और इनके अंदर क्रंच मौजूद रहना चाहिए। अब हम फ्राई किया हुआ चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफेद मिर्च का पाउडर, इसकी जगह काले मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। इसी तरह से तेज आंच पर फ्राई करते हुए हम इसमें बंद गोभी भी शामिल कर देंगे और फिर दोबारा से स्टर फ्राई थोड़ा सा कर लेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि सब्जियां पानी ना छोड़ें और बहुत ज़्यादा ना गल जाएं। बंद गोभी डालने के बाद 2-3 बार चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसमें उबले हुए चावल शामिल कर देंगे। चावलों और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चम्मच हिलाते रहें ताकि चावल नीचे से जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। थोड़ी देर तक चावलों में चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि सारे चावल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम इसमें हरा प्याज और अंडों के टुकड़े शामिल कर देंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि अब हमें इसे मज़ीद नहीं पकाना, और अंडों और सब्ज़ प्याज को भी अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो खुश रंग और खुश जायका चिकन फ्राइड राइस तैयार है। आप इनको डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपके चिकन फ्राइड राइस कैसे बने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक के बटन को क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।